हेलो दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं कटहल का मलाई कोफ्ता। और देखिए कैसे बनाते हैं। इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये कटहल ली हूँ। ये छोटा सा कटहल है, इसमें बीज नहीं है, बीज बहुत छोटा छोटा है और एकदम मुलायम जैसा बनेगा। और इसको मैं रख देती हूँ। और ये मलाई है, अपना मलाई ताज़ा है जो बनाए हैं इसको अपने घर में। और यह चावल है, कच्चे चावल, इसको मैं पहले से भिगो के रख दी थी, इसको भी रख देती हूँ। ये टमाटो है, इसको मैं काट ली हूँ, इसको भी रख देती हूँ। और ये तीन बड़े साइज़ का प्याज है और एक लहसुन है। ये सारे सामग्रियों को हम इस तरह से रख देते हैं। पहले हम हाथ में सरसों का तेल लगाएंगे, इसको इस तरह से सरसों तेल हाथ में लगा लेंगे। और इसको मैं अच्छे से छिलके को उतार के ले लेती हूँ। इसको मैं अच्छे से छिलके उतार ली हूँ। और छिलके उतार के अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में इसको डिवाइड करूँगी। मैं छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर ली हूँ, अच्छे से पानी से धो दी हूँ, वॉश कर दी हूँ इसको। अब मैं इस सारे को इस कुकर के अंदर डाल देती हूँ। और इसमें आधा ग्लास पानी डाल देती हूँ, बंद कर देती हूँ। और एक सीटी लगने तक इसको मैं पकाऊंगी। तो ऑन कर ली हूँ, अब इसको मैं रख देती हूँ। इस हरी मिर्ची को मैंने हटा ली हूँ, इसमें से अलग कर दी हूँ। इस टमाटो को मैं पहले पेस्ट बना लेती हूँ। मैं बना ली हूँ टमाटो का, अब इसमें मैं रख देती हूँ। अब मैं इस कच्चे चावल को जो पहले से 2-3 घंटे में फूल चुका है अच्छे से, अब मैं इसको इसमें डाल के इसका भी मैं एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, दानेदार। इसका मैं पेस्ट घोल बना ली हूँ अच्छे से, पेस्ट एकदम देखिए दानेदार है। अगर आप चावल का पेस्ट बनाना नहीं चाहते हैं तो सूजी भी बना रख सकते हैं इसमें। अदरक का पेस्ट है और ये लहसुन का पेस्ट है, ये दोनों मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं इस प्याज को एकदम से महीन टुकड़े में काट लूँगी इस तरह से। तो हमने अच्छे से मीन मीन काट ली हूँ। अब मैं मसाले को तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं धनिया पाउडर 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दी हूँ। अपने खाने के अनुकूल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा कम। हल्दी पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया, देख चुका है दोस्तों। अब मैं इसको दरदरा सा पीस लेती हूँ। इसको मैं मिक्सी जार में रखूंगी। इसको मैं अजवाइन ली हूँ। अजवाइन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको थोड़ा ऐसे करके प्रेस कर ली हूँ। और ये है चने का बेसन, और ये अच्छा से एकदम पीसा चुका था, दरदरा सा गोल बनाई थी मिक्स मिला हुआ। हल्दी, धनिया, मिर्ची, जीरा मरीच का पेस्ट मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और ये जो है, ये चावल का जो मैं घोल बनाई थी पेस्ट, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ, बेसन के साथ इसमें मिला के लूँगी। इससे कुरकुरे कोफ्ता बनेगा। और ये सारे को मिला लूँगी अच्छे से, इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची डालूँगी इसमें 2-4, ये लहसुन का पेस्ट डालूँगी और ये अदरक का पेस्ट। ये सारे मिला के हम कोफ्ता अच्छा से मिक्स कर ली हूँ। अब गोल गोल इसका मैं कोफ्ता बना देती हूँ इस तरह से, एकदम गोल कोफ्ते का आकार इस तरह से देते जाऊँगी, लड्डू की तरह गोल गोल आकार देती हूँ लड्डू की तरह। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो सरसों तेल में भी बना सकते हैं। गर्म हो चुका था, थोड़ा सा इसमें डाल के मैं देख ली हूँ, एकदम से पकने लगा है। अब समझ आ गया कि तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक लड्डू इसमें देते जाएंगे। इसको हम अच्छे से पलट पलट के घुमा घुमा के अच्छे तरह से हम इसको अंदर तक पका ली हूँ सारे को। इसी तरह से पकाना है आप लोग को भी। तो निकाल रही हूँ इस तरह से, मैं सारे बड़े को निकालूंगी। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, ये डालेंगे पंचफोरन, जीरा, जमाइन, सौंफ, मंगरेला, मेथी मिला हुआ। फोरन तैयार हो चुका है ब्राउन कलर का। अब इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, सूखी मिर्च, फिर डालेंगे अदरक पेस्ट, इसको मिलाएंगे, लहसुन पेस्ट, इसको भी मिला के भूनेंगे, प्याज, इसको और इसको मैं इस तरह से हल्का मरक जाने देंगे।
प्याज मारा चुका है साथियों, इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी और ये डालेंगे लाल मिर्च एवरेस्ट कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसको मिलाएंगे, ये पेस्ट मसाला पेस्ट मिलाएंगे इसमें, इसको भी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ग्रेवी बना लेंगे इसको प्याज का मसाला का अच्छा सा ग्रेवी। इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट, इसको भी भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको ग्रेवी बनने देंगे। रेडी हो चुका है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम ताज़ा दही, इसको भी मिला के भूनेंगे अच्छे से। लाइट आ रहा है ग्रेवी में, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना ग्रेवी आप पसंद करते हो खाना। बस हो गया तो मसाला साथियों अपने अनुकूल डाल सकते हैं आप जितना आप डालना चाहते हो। पाउडर बना ली थी जावित्री दालचीनी बड़ी इलायची छोटी इलायची सारे को मैंने पेस्ट बना के रख ली थी वो डाल दी हूँ। एक एक के सारे कोफ्ते इसमें डालाते जाएंगे जो अच्छे से घुल जाएंगे इसमें जाके रसगुल्ले की तरह मिला देंगे। अब ये बन चुका है अच्छे से, देखिए एक नंबर बन के तैयार हो चुका है कटहल कोफ्ता मलाई। इस मलाई को हमने तोड़ ली हो, मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।